वेलकम फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग कैन का यूज सीखेंगे। इससे पहले मैं आशा करता हूँ आप सब यूज ऑफ मॉडल्स यानी कि मॉडल का ओरिजिन क्या होता है ये वीडियो आपने देखा होगा। मैंने इस वीडियो को अपलोड किया है, आप पहले उस वीडियो को देखें और फिर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग स्पेशली कैन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैन का यूज कहाँ होता है और आखिरकार कैन का यूज क्यों किया जाता है। तो हम अपने डेली लाइफ में जो भी सेंटेंसेस का यूज करते हैं, कैन का एक अहम रोल होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैन का यूज, कैन का क्या यूज है। देखिए, सबसे पहली चीज कि जो कैन लिखा गया है, इस कैन का मतलब क्या होता है समझिएगा। ऐसे बोलचाल की भाषा में हम वैसे जितने भी सेंटेंस बोलते हैं, जिस सेंटेंस के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर हम इस स्थिति में कैन का यूज करते हैं, कुड का भी यूज करते हैं, मे का भी यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। तो इन मे, माइट, कैन, कुड, इन सब का मतलब सकता है, सकती है, ये सब होता है। तो आखिर कैन का यूज हम कब करेंगे, चलिए इस बात को समझते हैं। कैन का यूज बेसिकली सकता है, सकती है और सकते हैं के सेंस में किया जाता है। सकते हैं इत्यादि, सकता हो भी हो सकता है, तो आगे आप समझ लीजिएगा। तो सकता है, सकती है, सकते हैं के सेंस में हम लोग कैन का यूज करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हम लोग का क्या होगा, कैन का सबसे पहला यूज होता है, हम ऐसे कोई भी सेंटेंस बोले जिसके अंदर हम इस प्रकार के वर्क को, इस प्रकार के काम को दिखाना चाहते हैं, जिस काम को करने में हम क्या करें, अपने पावर का इस्तेमाल करें, हम अपनी एबिलिटी को दिखाए या फिर कैपेसिटी को दिखाए। तो हमने कहा कि पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। तो क्या क्या हुआ, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। तो हमें अपने शक्ति को दिखाना हो, योग्यता को दिखाना हो या फिर सामर्थ्य को दिखाना हो, तो कुल मिला के लगभग ये सब मिलता जुलता ही वर्ड है, पर इन सब में कुछ ना कुछ अंतर होता है। तो पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी दिखाना हो तो हम वहां पे कैन का यूज करेंगे। इस स्थिति में स्ट्रक्चर क्या होगा समझिएगा, इस स्थिति में स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट कैन, और कैन के साथ V1 का प्रयोग किया जाएगा। आप सबको मालूम होगा कैन जब भी आएगा तो V1 ही लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो सब्जेक्ट कैन प्लस V1 और इसके बाद से इधर आपका अदर वर्ड कुछ भी हो सकता है। जैसे सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस हमारा पहला हुआ ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस बॉक्स को उठा सकता है। तो इस बॉक्स को उठा सकता है, तो उस बॉक्स को उठाने के लिए, उठाने का जो वर्क है, इसको करने के लिए हम यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, शक्ति को दिखा रहे हैं, अपने पावर को दिखा रहे हैं। तो पावर दिखा रहा है तो आप कैन का यूज कर सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, वह इस संदूक को, वह इस बक्से को उठा सकता है। ऐसे ही हो सकता है सी कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकती है, समझिएगा, वह इंग्लिश बोल सकती है। इंग्लिश बोलने का योग्यता उसके अंदर है, यानी वह एबल है क्या बोलने में, इंग्लिश बोलने में। तो इस प्रकार से हम कैन का यूज करते हैं, सकता है, सकती है के सेंस में। जैसे और हो सकता है, मैंने कहा कि ही कैन ड्रिंक फाइव लीटर वाटर, वह 5 लीटर पानी पी सकता है। ही कैन ड्रिंक 5 लीटर वाटर, वह 5 लीटर पानी पी सकता है। उसके अंदर सामर्थ्य है, कैपेसिटी है कि वह 5 लीटर पानी पी सकता है। तो फिर हम यहाँ पे कैन का यूज किए। तो देखिए, अब कैन के यूज की जगह पे आप और क्या लिख सकते हैं, आप सब्जेक्ट के बाद बी की फॉर्म लगा सकते हैं। जैसे हमने कहा इज, एम, आर, तो ये इज, एम, आर जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ में आप लगाएंगे एबल, एबल और फिर लगा देंगे टू, चलिए समझते हैं, एबल टू, सब्जेक्ट इज, एम, आर, एबल टू, और इसके बाद से आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, अदर और लगा सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है,
क्योंकि आप किसी काम को करने में सक्षम है, आप किसी काम को करने में समर्थ है। तो हमने लिखा इज एम आर अपने सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, और इसके साथ एबल टू करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। जैसे ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, इस सेंटेंस को आप चाहे तो लिख सकते हैं क्या, ही इज एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस संदूक को उठाने में सक्षम है। तो इस सेंटेंस का जो सेंस मिल रहा है वही सेंस इस सेंटेंस का भी मिल रहा है। तो हम इस काम को कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम वहां पे कैन ही लगाए, हम इज एम आर के साथ एबल भी, एबल टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, अब कैन का यूज सकता है, सकती है, सकते हैं के सेंस में किया जाता है। तो आपने देखा यहाँ पे है लगा है, सकता है, सकती है, तो पावर एबिलिटी कैपेसिटी, तो ये प्रेजेंट की, प्रेजेंट टाइम के अंदर, प्रेजेंट टाइम में यदि आपको पावर कैपेसिटी और एबिलिटी दिखाना है तो आप कैन का यूज कीजिएगा, वरना पास्ट की दिखाना हो तो फिर कुड आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कैन को सीख रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे पावर दिखाया जा रहा है, वैसे सेंटेंस को देखिए, सी कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकती है, वह इंग्लिश बोल सकती है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी इज एबल टू स्पीक। तो देखिए टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो सी इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकती है। तो इन दोनों ही सेंटेंस में कोई फर्क नहीं है, स्ट्रक्चर अलग है, यहाँ पे कैन का यूज किया गया, इज एबल टू, तो इज एबल टू इतना लिखने के बजाय आप सिर्फ कैन का यूज कर सकते हैं। ही कैन ड्रिंक 5 लीटर वाटर, ही इज एबल टू ड्रिंक 5 लीटर वाटर। मैंने कहा आई कैन बीट यू, मैं तुमको पीट सकता हूँ, तो इसके लिए क्या हो सकता है, आई एम एबल टू बीट यू, मैं तुम्हें पीटने में सक्षम हूँ। उसके बाद से और भी बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, दे कैन ब्रेक दिस स्टिक, वे लोग इस स्टिक को तोड़ सकते हैं, तो दे आर एबल टू ब्रेक दिस स्टिक, वे लोग इस स्टिक को तोड़ने में सक्षम है। तो सबसे पहले कैन का यूज हमने क्या सीखा, कि कैन का यूज हम प्रेजेंट के पावर एबिलिटी कैपेसिटी को दिखाने में करते हैं। चलिए कैन का दूसरा यूज समझते हैं, कैन का दूसरा यूज क्या होगा, देखिए ये सेंटेंस जो लिखा गया है, ये सेंटेंस हमने एक्टिव वॉइस में लिखा है, तो हमने कहा यहाँ पे एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को लिखा गया, और यदि हम इसको पैसिव वॉइस में बनाना चाहे, यदि इस पावर एबिलिटी कैपेसिटी को यदि हम पैसिव वॉइस में बनाना चाहे, पैसिव वॉइस, तो फिर क्या होगा, पैसिव वॉइस के कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ कैन लगाएंगे, जो भी सब्जेक्ट के सब्जेक्ट होगा कैन ही लगेगा, और कैन के बाद हमें बी लगाना होगा, तो मॉडल वर्ब के साथ बी लगाएंगे हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए, और पैसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, और उसके बाद से हम अदर वर्ड लिख सकते हैं। तो आप चाहिए तो बाई लगाकर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं। समझते हैं कि इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे हमने कहा ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यह बॉक्स वह उठा सकता है, और ये तो एक्टिव वॉइस में है, मैं इसको पैसिव वॉइस में बोलना चाहूं तो क्या बोलूंगा, यह बॉक्स उसके द्वारा उठाया जा सकता है, तो कोई काम किया जा सकता है। समझिएगा, हमने इधर कहा कि कोई काम किया जा सकता है, तो इस सेंस में हम लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, कोई काम किया जा सकता है। जैसे समझिए, हमने कहा सेंटेंस क्या लिखा, हमने सेंटेंस लिखा कि दिस बॉक्स कैन बी, अब यहाँ पे लिफ्ट किए, दिस बॉक्स सब्जेक्ट हो गया, कैन लगा, उसके बाद से हमने बी लगा दिया। देखिए यहां भी कैन के साथ बी आया है, बी अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सबसे पहले हमने बता ही दिया था आपको कि कैन हो, मे हो, माइट हो, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, इसके साथ वी वन आएगा ही आएगा, चाहे किसी भी रूप में आए, तो बी जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो है,
और लेकिन पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो V3 भी आएगा। मेन वर्ब क्या है? लिफ्ट। तो लिफ्ट का यहाँ पे क्या हमने कह दिया? लिफ्टेड। तो दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड। अच्छा, अब लिखना है कि किसके द्वारा उठाया जा सकता है। ऑब्जेक्ट लगाना हो आपको तो बाई लगा के और लिख सकते हैं। तो हमने लिखा बाई हिम, यह बॉक्स उसके द्वारा उठाया जा सकता है। उसी प्रकार से हमने कहा कि इंग्लिश उसके द्वारा बोला जा सकता है या फिर इंग्लिश बोला जा सकता है। क्या हो जाएगा? इंग्लिश कैन बी स्पोकन। तो इंग्लिश बोली जा सकती है। ऐसे और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे हमने कहा कि यू कैन बी बीटेन, तुम पीटे जा सकते हो, तुम पीटे जा सकते हो। तो जैसे आपने देखा कि कैन बी और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। यदि कोई काम किया जाने में सक्षम है, यदि कोई काम होने में समर्थ है और इसको हम पैसिव वॉइस में बोलना चाहते हैं, कोई काम किया जा सकता है, तो उस स्थिति में सब्जेक्ट के साथ कैन लगाकर हमें बी लगाना होगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे हमने कैन का दो यूज सीखा। चलिए हम आगे कैन का तीसरा यूज सीखते हैं। चलिए यहाँ पे कैन सब्जेक्ट के साथ कैन भी वन अदर वर्ड एक्टिव वॉइस में रहा, कैन के साथ बी लगा, उस स्थिति में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना होता है। तो इसको हम पैसिव वॉइस कहें। अब तीसरा यूज समझते हैं। तो तीसरा यूज क्या है? तीसरा यूज हम पढ़ेंगे। देखिए तीसरा यूज आप समझिए, यदि कोई चीज, यदि कोई व्यक्ति कुछ है या फिर हो सकता है, यदि कोई व्यक्ति कुछ हो सकता है, किसी के कुछ होने की बात किया जाए, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से कैन लगाएंगे, कैन के बाद बी का यूज होगा और यहाँ पे हम किसी नाउन का यूज करेंगे। तो कोई नाउन या फिर कोई नाउन इक्विवेलेंट जो नाउन के जैसे सेंस दे रहा है, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। तो सी कैन बी नाउन या फिर सी कैन बी प्लस नाउन, अगर ऐसी स्थिति है किसी के कुछ होने की, तो हमने इधर लिख दिया किसी के कुछ होने का, किसी के कुछ होने का बोध। तो किसी के कुछ होने का बोध अगर है तो वहां पे कैन के साथ बी लगा देंगे और उस स्थिति में हम नाउन लगाएंगे। जैसे सेंटेंस क्या हुआ? सेंटेंस हुआ कि राम कैन बी अ डॉक्टर। राम डॉक्टर हो सकता है, राम एक डॉक्टर हो सकता है। इस स्थिति में हमने क्या लगाया? राम कैन बी अ डॉक्टर। देखिए सब्जेक्ट हुआ है राम, कैन लगा दिया हमने, बी का यूज किया और यहाँ पे अ डॉक्टर एक नाउन है। राम एक डॉक्टर हो सकता है, राम के कुछ होने का बोध हुआ, किसी व्यक्ति के कुछ होने का बोध हो, किसी वस्तु का कुछ होने का बोध हो, तो उस स्थिति में बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगा बल्कि एक नाउन आएगा जो कि एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे देखा जाएगा। और सेंटेंस हमने कहा कि ही कैन बी अ टीचर, वह एक अध्यापक हो सकता है। वह क्या हो सकता है? एक अध्यापक हो सकता है। ठीक है, हमने कहा कि द एप्पल्स कैन बी स्पॉइल्ड, सेव खराब हो सकते हैं। तो द एप्पल्स कैन बी स्पॉइल्ड, सेव क्या हो सकते हैं? खराब हो सकते हैं। तो किसी व्यक्ति के कुछ होने का बोध हुआ या फिर किसी वस्तु का कुछ होने का बोध हुआ, तो इस स्थिति में भी कैन का प्रयोग किया जाता है। चौथा यूज देखें हम लोग, चौथा यूज कैन का कब करते हैं? देखिए कैन का प्रयोग हमने चौथा लिखा, कैन का प्रयोग हम क्वेश्चन पूछने के लिए, यानी हम कह सकते हैं क्या, इनफॉर्मल परमिशन। यदि हमें
किसी से अनुमति लेना है इनफॉर्मल तरीके से, फॉर्मल तरीके से नहीं यानी अनौपचारिक, अनौपचारिक भाषा में यदि हम किसी से परमिशन ले रहे हैं तो हमने कहा परमिशन लेने या देने में, तो औपचारिक रूप से इनफॉर्मल परमिशन लेने या देने में हम क्या यूज करते हैं तो कैन का यूज करते हैं। इस स्थिति में समझिएगा, इस स्थिति में क्या होगा, कैन का प्रयोग हम पहले कर देंगे और इसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देंगे, आप अदर वर्ड का यूज कर सकते हैं और फिर हमें अंत में क्या लगाना होगा, क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। तो यदि आप किसी से कुछ परमिशन ले रहे हैं तो इस स्थिति में आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो परमिशन लेने में हमने कहा कि परमिशन लेने के लिए, लेने के लिए, तो लेने के लिए हम इस स्थिति का प्रयोग करेंगे, और यदि परमिशन देना है हमने कहा कि देने के लिए, परमिशन देने के लिए, तो परमिशन देने के लिए आप क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद कैन लगा देंगे, इसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो परमिशन लेना हो तो आप इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे जिसमें कैन का प्रयोग पहले होगा सब्जेक्ट से, और यदि आप परमिशन दे रहे हैं तो नॉर्मली यूज कर देंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। जैसे हमने सेंटेंस लिखा कि कैन आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं तुम्हारा मोबाइल यूज कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारा मोबाइल का प्रयोग कर सकता हूँ, तो ये क्या है, ये इनफॉर्मल परमिशन है। मैं किसी से परमिशन ले रहा हूँ या फिर आप समझिए रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं इसको, आप किसी को कुछ करने का करने देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूँ, तो ये एक तरह से हम परमिशन लिए। लेकिन ये परमिशन आप किस से लेंगे, परमिशन लेने के लिए दरअसल आप सबको मालूम होगा जैसे हमें क्लास में जाना होता है तो अपने टीचर से क्या बोलते हैं, अब क्लास में एंट्री लेने के लिए टीचर से हम किस प्रकार से परमिशन मांगते हैं, बोलते हैं मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो वहां पे आप मे का यूज करते हैं। क्या हम वहां कैन का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। यदि आप अपने अध्यापक से, अपने टीचर से परमिशन लेना चाहते हैं तो यह एक फॉर्मल परमिशन होता है, आप वहां पे औपचारिक रूप से आप अनुमति लेंगे, उस स्थिति में आप मे का यूज करते हैं। तो आपने अभी यही पे जान लिया कि मे का यूज फॉर्मल परमिशन के लिए, लेकिन आप कैन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन टीचर के साथ नहीं, अपने से बड़ों के साथ फॉर्मल परमिशन लेना है। लेकिन मान लीजिए आपसे कोई छोटा व्यक्ति है तो आप उससे मे ना बोल के कैन भी बोल सकते हैं, आप कैन का यूज कर सकते हैं। अपने दोस्त से अनुमति लेना है, क्लास के अंदर कोई दोस्त है, अब वहां पे टीचर नहीं है, आप अपने किसी दोस्त से अनुमति लेना चाहते हैं वहां पे कैन का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके रूम में आपका भाई है, अपने भाई से परमिशन लेना है तो वहां पे कौन से फॉर्मल परमिशन की जरूरत है, वहां पे आपको मे आई कम इन नहीं बोलना, वहां पे आप कैन इन, कैन आई कम इन बोल सकते हैं। ओके चलिए समझते हैं, कैन आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ, यह सेंटेंस सही है। तो मान लीजिए कि इधर परमिशन लिया जा रहा है और यदि मैं परमिशन दे दूं कि हाँ तुम मेरा मोबाइल यूज कर सकते हो तो इसको किस प्रकार से बोल दूंगा, मैं अगर परमिशन यहाँ पे दे दिया तो मैं बोलूंगा कि यू कैन यूज, यू कैन यूज माय मोबाइल, तुम मेरा मोबाइल यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने इस सेंटेंस का आंसर लिख दिया यहाँ पे कि क्या मैं तुम्हारा मोबाइल यूज कर सकता हूँ, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ, तो उसने हमसे क्या बोला, यू कैन यूज योर मोबाइल। तो आप चाहे तो इस सेंटेंस को ना भी, इस सेंटेंस में इस हिस्से को ना भी लिखे तो भी सेंटेंस सही होगा, यू कैन, आप चाहे तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यू कैन, तुम यूज कर सकते हो, तो इसका सेंस हो गया कि हाँ तुम यूज कर सकते हो। जैसे और हमने क्या कहा, जैसे कैन आई कम इन, कैन आई कम इन, देखिए सर नहीं लगाइएगा, आप अपने से बड़ों से कैन का यूज करके परमिशन नहीं ले सकते हैं। तो हमने कहा कैन आई कम इन, अपने भाई से, अपने दोस्त से, अपने से छोटे से आप परमिशन ले सकते हैं कैन यूज करके। तो हमने कहा कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसका जवाब क्या हुआ कि यू कैन, तुम आ सकते हो, यू कैन कम, तो यू कैन कम का यूज कर भी सकते हैं नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है।
तो आपने परमिशन लिया है और उसने परमिशन दिया है, तो परमिशन लेने देने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। चलिए आगे समझते हैं कि और कैन का यूज हम कहाँ करते हैं। आइए यहाँ पे पांचवा यूज समझते हैं, कैन का पांचवा यूज, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस हैव प्लस नाउ, यानी सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर कैन का यूज करेंगे, कैन के बाद हम हैव लगाएंगे। अब यहाँ पे जो कि हैव का यूज किया जा रहा है, ये इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ पास होने का बोध, कुछ पास, कोई भी चीज यदि आपके पास है, जैसे कि कुछ पास होने का बोध, कुछ पास होने का बोध, यदि आपके पास कुछ है, आपके पास कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन पॉसिबिलिटी, देखिए पॉसिबिलिटी शब्द आया, दरअसल मे माइट का यूज पॉसिबिलिटी के लिए ही होता है, वहां पे मे और माइट का यूज स्पेशली पॉसिबिलिटी के लिए ही, कम पॉसिबिलिटी है तो फिर मे और उससे भी कम पॉसिबिलिटी है तो माइट यूज किया जाता, लेकिन कैन का भी यूज पॉसिबिलिटी के लिए होता है, लेकिन ये वाली पॉसिबिलिटी लगभग 95% होता है कि ये काम हो सकता है, तो 95% पॉसिबिलिटी हो, बहुत अधिक पॉसिबिलिटी हो तो कैन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पास होने की संभावना है कि आपके पास ये चीज हो सकता है, तो आप वहां पे कैन के साथ हैव का यूज करेंगे। आप सबको मालूम होगा आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, तो किसी चीज का आपके साथ कुछ संबंध हो अगर, तो आप हैज हैव का यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके पास कुछ हो सकता है, तो हमने कहा कि कैन के साथ हैव का यूज कर दीजिए। जैसे सेंटेंस क्या हुआ, ही कैन हैव, ही कैन हैव सम, ही कैन हैव सम मिल्क, उसके पास कुछ दूध हो सकता है, उसके पास कुछ दूध हो सकता है। और सेंटेंस समझिए, हमने कहा कि राधा, राधा कैन हैव, राधा कैन हैव माई पेन, राधा के पास मेरा पेन हो सकता है, राधा के पास मेरा कलम हो सकता है। और सेंटेंस देखिए, हमने कहा कि दे कैन हैव, दे कैन हैव, इस कंडीशन में आप केवल हैव का यूज कीजिएगा, हैज का यूज नहीं होगा। ये नहीं कि हमने ही लगाया तो यहाँ पे हैज लगा दे, नहीं, ही कैन और इसके साथ केवल हैव ही आएगा। यदि आपके पास कुछ होने की बोध हो तो आप क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। दे कैन हैव, दे कैन हैव मेनी, दे कैन हैव मेनी, क्या लिख दू यहाँ पे, बुक्स, समझिएगा, दे कैन हैव मेनी बुक्स, उसके पास अनेक किताबें हो सकती है। तो आप सबको कैन का यूज प्रॉपरली रूप से, ये पांच तरीके से कैन का यूज होगा, तो आप, आशा करता हूं कि आप सबको कैन का यूज समझ में आया होगा। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ जरा, देखिए यहाँ पे नॉर्मली कैन का यूज कुछ सकता है, सकती है, सकते हैं के सेंस में हुआ है। आप यदि अपने पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को शो करना चाहते हैं तो आप कैन के साथ वी1 का प्रयोग कीजिएगा। इस सब्जेक्ट के साथ कैन बी लगाया हमने, तो कैन बी लगा, अब आपकी थर्ड फॉर्म लगा, तो ये इसका पैसिव वॉइस बन गया, कुछ काम किया जा सकता है, तो कैन के साथ बी और साथ में आपकी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट के साथ कैन लगा, कैन के साथ बी लगा, लेकिन बी के बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म ना लगा के यदि आप नाउन का यूज कर दिए, तो इसका मतलब कुछ होने का, आपके कुछ होने का, किसी वस्तु का कुछ होने का बोध हुआ, ठीक है, क्योंकि बी किसी स्टेट को दिखाता है, जैसे वह एक डॉक्टर हो सकता है, तो ही कैन बी अ डॉक्टर। अब हमने कहा कैन के साथ सब्जेक्ट, कैन का यूज सब्जेक्ट से पहले कर देगा, तो अंत में हमें क्या लगाना होगा, क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, और इस कंडीशन में हम ये शो करते हैं कि हम किसी से परमिशन ले रहे हैं या परमिशन दे रहे हैं। तो इनफॉर्मल रूप से एक रफ परमिशन यदि हमें किसी से लेना हो, अपने दोस्त से या फिर अपने छोटे से, तो हम कैन का यूज सब्जेक्ट से पहले करेंगे, क्या मैं आपका ये सामान ले सकता हूँ, तो इस प्रकार से इसका सेंस होगा। सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, देखिए भी वन, तो परमिशन हो गया, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस हैव प्लस नाउन, यानी सब्जेक्ट के साथ कैन लगा और कैन के साथ हैव लगा। यदि आपके पास कुछ हो सकने का बोध हो, आपके पास कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो उसी स्थिति में आप कैन के साथ फिक्स क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, और फिर आप क्या लगाएंगे, नाउन लगाएंगे, जैसा कि यहाँ पे तीनों सेंटेंस लिखा गया है। तो आशा करता हूँ कैन का प्रॉपर रूप से आपको यूज समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किस चीज का यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे।